गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने अब लास्ट वीडियो में अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स की बात की थी अल्टरनेट सोलवेंट सुपरक्रिटिकल लिक्विड्स यानी सी ओ टू वाटर और आयनिक लिक्विड्स एक्वा सोल्यूशन जो कि ग्रीन फेवर्ड हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं अब हम आज हम डिस्कस करेंगे सोलवेंट लेस रिएक्शंस. अगर हम रिएक्शन में ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो हम करवाते हैं रिएक्शंस करवाते हैं उनमें हम सॉल्वेंट्स का यूज ही नहीं कर रहे हम उसको सॉलिड स्टेट पे करवाएं तो ऐसी रिएक्शंस हमारी ग्रीन फेवर्ड क्यों है एन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है क्या है इसकी एडवांटेज है जो ये आजकल इतनी प्रॉपर हो प्रॉपर हो रही है एंड ट्रेंड में है सोलवेंट लेस रिएक्शन का मतलब रिएक्शन का हम रिएक्शंस को सॉलिड स्टेट uh, में करवाएं उनके लिए हम सोल्यूशन बनाए ही नहीं सोलवेंट का मिक्सचर लिक्विड स्टेट में जो सोलवेंट यूज करके हम मिक्सर बनाते हैं जहां पे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो वो चीज करें ही नहीं उसको हटा ही दें साइड से सबसे पहले तो तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेंट्स को क्यों हटाना है और फिर हम उसको सोलवेंट लेस क्यों करना है ठीक है स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता कि क्या सोलवेंट्स की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है पहले तो हम रिएक्शन में सोलवेंट को यूज़ ही क्यों करते हैं ऑर्गेनिक सोल्वेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका सोलवेंट का ये है नीड सॉरी एडवांटेज नहीं बोलूँगी नीड बोलूंगी ये डिजोल्व रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स को डिजोल्व करने के लिए दूसरा इसका इसकी नीड है कि हम रिएक्शन की रेट को सोल्यूशन में सॉरी सॉल्वेंट में इंक्रीज और स्लो कर कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शन रेट को नेक्स्ट uh, है टू एक्ट एज हीट सिंह हीट ट्रांसफर एजेंट ओके स्टूडेंट एंड ऑल्सो प्रिवेंट टू होल्ड स्पोर्ट्स एंड रन अवे रिएक्शन ओके स्टूडेंट्स सोलवेंट्स की नीड होने के बाद फिर क्यों हमारा हमें ऑर्गेनिक सोल्वेंट्स के साथ इश्यू है क्या है कि हम ऑर्गेनिक सोलवेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं ऑर्गेनिक uh, सॉल्वेंट्स को अवॉइड करना हमने ग्रीन ग्रीन केमिस्ट्री के जो ट्वेल्व प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें हमने एक पॉइंट नेक्स्ट हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये था कि अवॉइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्यों सबसे पहले तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर हाईली रेगुलेटेड मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल फ्लैमेबल टॉक्सिक एंड कार्स्यूजेनिक दैट्स द रीजन वाई वी हैव Very any, any issues, very issues, sorry, with organic solvents. Now, students, we are looking at solventless reactions. A dry media reaction or solid state reaction or solventless reaction. Tino you know, students about the dry media reaction, solid state reaction or solventless reaction. Is a chemical reaction system in the absence of a solvent. This is called solventless reaction.

नो रिक्वायर टू रिमूव अ सोलवेंट आफ्टर रिएक्शन कम्पलीशन रिएक्शन कम्पलीट होने के बाद हमें उसको रिमूव करने की भी कोई नीड नहीं रहेगी जब हम सोलवेंट ही नहीं लेंगे तो प्यूरिफिकेशन स्टेप भी हमारा नहीं होगा यूज में नहीं आएगा उसकी भी नीड नहीं है रिएक्शन रेट इज हाई ट्यू टू मोर अवेल अवेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स so, की मोर एवेबिलिटी होने के कारण रिएक्शन रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिकॉज सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड सबसे बड़ी बात तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि हम वो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं एक, उस तो हमारा वो हम हमने एक चीज हटा दी है रिएक्शंस में से रिएक्टेंट reactant और रिएक्टेंट्स और रिएजेंट जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से हमने सॉल्वेंट नाम की चीज को हटा ही दिया है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एटोमेटिकली हो जाएगा इसका मतलब ग्रीन सिंथेसिस का जो हमारा एक पॉइंट है एंड स्टूडेंट्स अवॉइडिंग ऑर्गेनिक अवॉइडिंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ड्यूरिंग द रिएक्शंस इन सिंथेसिस लीड्स टू रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस हो गया सॉल्वेंट खरीदना नहीं पड़ेगा हमें नेक्स्ट लार्जली इंक्रीज सेफ्टी सेफ्टी भी हमारी इंक्रीज हो गई कि वो सॉल्वेंट हमें टॉक्सिक है जार्ड एक्सप्लोजिव है तो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से भी एडवांटेज हो गई क्लीन एंड एफिशियंट एक टेक्नोलॉजी क्लीन और एफिशियंट एक ग्रीन केमिस्ट्री फेवर्ड जो भी है ग्रीन केमिस्ट्री फेवर्ड हो गई सिंपलीफाइड वर्कअप वर्कअप को सिंप्लीफाइड कर दिया इसने यूज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट uh, का अमाउंट है यूज करने वाला वो इंक्रीज हो गया दीज आर द एडवांटेज ऑफ सोलवेंटलेसलैस रिएक्शंस अब स्टूडेंट्स कौन कौन सी रिएक्शंस है जो हम सोलवेंट लेस करवा रहे हैं करवा चुके हैं फर्स्ट है हेलोजिनेशन माइकल एडिशन एल्डोल कंडेंसेशन ग्रिगनार्ड रिएक्शन रिफॉर्मेटिस रिएक्शन पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट बैकवंस रीअरेंजमेंट एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ कपलिंग ऑफ फिनॉल्स रिएक्शंस ये रिएक्शंस हमने सारी की सारी पढ़ी हुई हैं और ये रिएक्शंस जो हैं ये सब हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ी हुई है जिसमें हम सॉल्वेंट्स का यूज कर रहे हैं तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे हम इनमें से कुछ एग्जांपल्स में आपको बताऊँगी जिसमें हम ट्रेडिशनल uh, सॉल्वेंट ना यूज करके उसको सॉलिड स्टेट में करवा रहे हैं और हमारा ईल्ड प्रोडक्शन जो होगा वो और भी अच्छा है और सेफ भी है और टाइम भी हमें कम लगा है स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट एग्जांपल है बैकमेन्स रीअरेंजमेंट यूजुअली हम जो बैकमली बैकमेन रीअरेंजमेंट में रिएक्शन में यूज करते हैं हम ऑक्जीम्स एसिडोफिन कीटोन जो होते हैं यूज करते हैं एसिडोफिन ऑक्जीम सॉरी एसिडोफिन ऑक्जीम यूज करते हैं और उससे को हम एनालाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें एसिडिक रिएजेंट्स यूज करते हैं जैसे कि पी सी एल फाइव्स पी सी एल फाइव एच सी ओ एच एस ओ सी एल टू एक्सेट्रा ये सब हम uh, इसमें रिएजेंट्स यूज करते हैं एसिडिक रिएजेंट्स ठीक है बट अगर हम इसका ग्रीन सिंथेसिस करवाएं यानी अगर हम इसको लेस करवाएं तो इसमें हम करेंगे यूज और इसको हम क्या करेंगे माइक्रोवेव करेंगे अगर हम इसको सॉल्वेंट नहीं यूज करते और हम इसे माइक्रोवेव करते हैं 7 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करते हैं माइक्रोवेव ओवन के साथ रिएक्शंस हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं उसमें अगर हम 7 मिनट के लिए रखते हैं तो हमारे पास 91% यील्ड आती है सी स्टूडेंट्स ये एसिटोफिन ऑगजीम है और इसको मैंने रखा है टेन मिनट्स के लिए माइक्रोवेव किया है और ए, ए, जो ए, हमें एसिटिनलाइट जो आया है वो हमारा नाइन्टी वन परसेंट आया एसिटी हमारा आया है नाइन्टी वन परसेंट एसिटीनालाइट तो ये बैकमेंस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीन सिंथिसिस सोलवेंटलेस सिंथिस तो ये आप इसमें यूज कर रिएक्शन दे सकते हैं सोलवेंटलेस में बैकमेंस रियर्जेंट पुरानी जो रिएक्शन है जो हम नॉर्मली करवाते हैं लैब्स में पी सी एल फाइव हैं उन रिएक्शन में एसिडिक लेकिन अगर हम ग्रीन सिंथेसिस करो तो हम माइक्रो माइक्रोवेव ओवन में हम सेवन मिनट के लिए रिएक्टेंट को रखें और रिएक्टेंट को रखें हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा नाइनटी वन परसेंट ओनली इन सेवन मिनट्स स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ फिनोल्स ये एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ फिनोल्स इसकी जो हम यूजुअल इसका जो ट्रीटमेंट यूजुअली करते हैं उसमें क्या करते हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में हम सॉल्यूशन लेते हैं मेटल सॉल्ट्स का और किसके साथ में मेटल सॉल्ट लेते हैं और उसका FECL3, या फिर मैगनीज ट्रिस एसिटाइल एक्सीटोनेट के साथ में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसके साथ हम फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन अगर हम इसका ग्रीन सिंथेसिस करवाएं ग्रीन सिंथेसिस करवाएं हम तो हमें फिनोल लेकर फिनोल है जो मैंने यहाँ पे ये क्या लिया हुआ है बीटा नेफ्थोल लिया हुआ है स्टूडेंट्स बीटा नेफ्थोल का एफीसीएल थ्री सिक्स एस टू को सॉलिड स्टेट में लिया है एफई सी एल थ्री सिक्स एस टू क्रिस्टल स्टेट हो गई फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया टू तो आवर्स का हमने टाइम लिया और उसमें हमें मिल गया 20 बीटा नेफ्थोल 20 मी बीटा नेफ्थोल मिल गया और 95% ईल्ड मिली इन अकॉर्डिंग टू ग्रीन सिंथेसिस हमने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बनाया जो कि एक्सपेंसिव था हमने यहाँ पे FeCl3 क्रिस्टलाइन स्टेट में लिया सॉलिड स्टेट में लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स में और हमारे पास बीटा एंड बीटा नेफ्थोल 20 बीटा नेफ्थोल देखिए स्टूडेंट्स 20 बीटा नेफ्थोल लिया है ये 95% हमें मिला है नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट स्टूडेंट्स हम जनरली क्या करते हैं इस रिएक्शन में हम बेंजाइल जो लेते हैं हम बेंजाइल जो लेंगे उनको एल्केलाइक मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि के ओ एच हो गया उसका एक्वस मीडियम में सोल्यूशन बना लेते हैं और हम अपनी रिएक्शन करवाते हैं बट इन्हीं को ही अगर हम सॉलिड स्टेट में लें बेंजाइल एंड के ओ एच जो भी लिए सॉलिड स्टेट में लें तो हमारे पास जो बेंजाइलिक एसिड बनता है वो सेवेंटी टू नाइन्टी थ्री परसेंट बन जाता है ओनली वन टू सिक्स आवर्स में इतनी इतना टाइम लेके और मोर एफिशिएंटली मोर फास्टर होता है देन दे दिस रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म से सॉलिड स्टेट में इसके अलावा और भी जैसे कि एजो एजोमिथाइंस जो है उसकी सिंथेसिस हो गई एजोमिथाइंस की सिंथेसिस भी सॉलिड स्टेट में है और डायमराइजेशन ऑफ फुलरीन्स की जो है वो भी हम सॉलिड स्टेट में करवाते हैं रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ होमोलाइटिक एल्कोहल्स और सॉरी होमो एल्कोहल्स सिंथिस ऑफ थायोकार्बोनाइल इमिडिजोल डेरिवेटिव जो होंगे आ, ये ये भी ये जो हैं केमिकल रिएक्शंस ये सब भी हम सॉलिड स्टेट में एज एजेंट लेस रिएक्शन में हम इसको इन एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स सोलवेंट लेस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कम्पाउंड हैज गेन्ड मच पॉपुलरिटी इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन ग्रीन केमिस्ट्री बाय विच मेनी इंपॉर्टेंट कम्पाउंड कैन बी सिंथेटाइज इज एन सॉरी इन एन इफिशियंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर स्टूडेंट्स सारी रिएक्शंस मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी मैं आपको पीडीएफ uh, uh, फाइल इसकी सेंड uh, कर देती हूँ जिसमें आपके पास सभी की सभी रिएक्शंस होंगी ये सब रिएक्शंस होंगी इनके एग्जांपल्स होंगे और तो आप इनको प्लीज़ एक बार कंसीडर कीजिएगा थैंक यू स्टूडेंट्स